हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। माय सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा और करियर इन्फिनिट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से एक नई ट्रिक के साथ उपस्थित हुए हैं, आइए देखते हैं ट्रिक टू लर्न एनसीईआरटी टेबल। बच्चों, जेनेटिक्स का ये एक टेबल है कोडॉन्स का। आपको पता है ये कोडॉन्स जो होते हैं 64 टोटल कोडॉन्स होते हैं, 64 टोटल कोडॉन्स होते हैं और बच्चों ये 20 अमीनो एसिड को सिलेक्ट करते हैं। तो 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को सिलेक्ट करते हैं और इसको रीड करने का क्या तरीका है बच्चों? कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के ऊपर, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के ऊपर। अगर आरएनए है तो बच्चों यहाँ चार प्रकार के बेस पेयर होंगे, यू सी ए जी, यानी थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन यू सी ए जी को लिख दीजिए। देखिए सारे यू, यहाँ पे सारे फर्स्ट पे यू आ रहा है, यहाँ सारे फर्स्ट पे सी आएगा, यहाँ सारे फर्स्ट पे ए आएगा, यहाँ सारे फर्स्ट पे जी आएगा। बच्चों ये सेकंड पोजीशन होती है, सेकंड पोजीशन में भी सेम ऑर्डर लिख दीजिए, यू सी ए जी, तो यू सी ए जी। देखिए सेकंड पोजीशन में यू यू यू, यहाँ देखिए सी सी सी, फिर यहाँ देखिए ए ए ए, यहाँ देखिए जी जी जी। इस तरीके से सेकंड पोजीशन भी क्लियर हो गई बच्चों। फिर हम लोग थर्ड पोजीशन पे चलते हैं, थर्ड पोजीशन पे आपको चारों लिख देना है, चारों लिख देना है, तो यू सी ए जी। अब देखिए कैसे होगा, यू यू यू, तो देखिए पहला ब्लॉक भर गया, यू 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 सी, फिर बच्चों ये यू यू ए, फिर देखिए यू यू जी, तो आपको तो ये पता ही होगा, ठीक है बच्चों। और इसमें तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं, एक इनिशिएटर कोडॉन होता है और तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं। इनिशिएटर कोडॉन जो होता है बच्चों ये होता है आओ जी, ए यू जी, कैसे याद रखेंगे, आओ जी ए यू जी। तो बच्चों एक तो हो गया इनिशिएटर कोडॉन आओ जी, ये मेथियोनिन को सिलेक्ट करता है, और तीन होते हैं स्टॉप कोडॉन। देखिए दो तो ये रहे यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, क्लियर बच्चों? याद रखिएगा थर्ड वाले कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, चार कॉलम है बच्चों। तो थर्ड वाले कॉलम में स्टॉप कोडॉन पाया जाता है और फोर्थ वाले में फर्स्ट पे स्टॉप कोडॉन पाया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अभी हम लोग इस पर कैसे हमें ये याद होगा, कभी कभी क्या होता है कोड दे दिया गया, बोला गया सी यू यू और सी सी यू और सी ए सी, क्या सेलेक्ट करेगा, इनका सीक्वेंस बताइए। तो बच्चों देखो सी यू यू, सी यू यू ये रहा ल्यूसीन को करेगा, सी सी यू तो सी सी यू प्रोलीन को करेगा, सी ए सी तो बच्चों सी ए सी, देखिए सी ए सी हिस्टिडीन को करेगा, ठीक है? तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आपको जब तक सीक्वेंस पता नहीं होंगे तब तक आप अमीनो एसिड का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कौन सा किसको सिलेक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये एक दूसरा कलरफुल चार्ट है, इसमें देखिए पहला स्टार्ट कोडॉन है आओ जी और वो मेथियोनिन का सिलेक्ट करता है, स्टार्ट कोडॉन है, जबकि बच्चों स्टॉप कोडॉन तीन होते हैं, थर्ड के फर्स्ट कॉलम में और फोर्थ के फर्स्ट कॉलम में, ठीक है? थर्ड के फर्स्ट कॉलम में दो और फोर्थ के फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, ये एक होता है, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई, आइए अब हम लोग इसको और आगे ट्रिक सीखते हैं। तो बच्चों ये है फर्स्ट कॉलम, अब हम फर्स्ट कॉलम के सारे ट्रिक सीखेंगे कि ये किसको कितने अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है, यहाँ कितने अमीनो एसिड हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, और कोडॉन्स निकाल करके तो आप समझ ही जाओगे कि कौन किसको करेगा। तो आइए मैं, कोडॉन्स तो आपके सामने होंगे, अमीनो एसिड आपको याद नहीं होता, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ हाउ टू लर्न। देखिए बच्चों फर्स्ट कॉलम के चारों ब्लॉक ये लिख दिए गए, फर्स्ट कॉलम के चारों ब्लॉक लिख दिए गए। पहले तो आपको बता दूँ ये दो अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है, पहले वाले कॉलम में दो अमीनो एसिड, फिर वन, फिर टू, फिर वन। चलिए वापस चल के देखते हैं, ये देखिए दो अमीनो एसिड, एक दो, फिर देखिए एक, फिर देखिए दो प्रकार के, फिर देखिए एक प्रकार के, तो दो एक दो एक, टू वन टू वन, ठीक है बच्चों? तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले वाले में दो होगा, फिर एक होगा, फिर दो होगा, फिर एक होगा, ठीक है? कैसे याद करेंगे, फिर से लव हुआ तो आई मेट वैशाली, मतलब अगर किसी को फिर से लव हुआ तो किसी न किसी से तो मिला ही होगा, तो फिर से लव हुआ तो आई मेट वैशाली, तो आई मेट वैशाली, वैशाली किसी लड़की का नाम होगा। तो फिर मतलब क्या हो गया बच्चों, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन फिर हो गया, ये हो गया बच्चों लव का मतलब हो गया ल्यूसीन, ये देखो
लव को LUV लिखा जा सकता है तो ये ल्यूसीन हो गया, या LOVV भी LOVE लिख दोगे तो भी ये आ जाएगा ल्यूसीन। ठीक है बच्चों, फिर हुआ का कोई मीनिंग नहीं है, से का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो फार्मूला बनाने के लिए किया गया। आई का मतलब बच्चों आइसोल्यूसिन, आई का मतलब हो गया आइसोल्यूसिन, ये सब देखो ल्यूसीन ही था, ये आइसोल्यूसिन हो गया। ठीक है आइसोल्यूसिन, फिर मैथ्योनिन, ये देखिए फिर मैथ्योनिन हो गया, तो मैथ्योनिन भी याद रहेगा आपको। फिर उसके बाद वैलिन हो गया बच्चों, वैशाली मतलब वैलिन, ये देखिए वैलिन, क्लियर। तो आइए एक बार इसको देखते हैं, ये देखिए फिनाइल एनिलिन, फिर लव, तो लव हो गया, हुआ तो आई, आई मतलब आइसोल्यूसिन, मैट मतलब मैथ्योनिन, वैशाली मतलब वैलिन। चलिए ये वाला कॉलम हमें याद हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों। सेकंड वाला एक एक एमिनो एसिड को सेलेक्ट करेगा, सभी एक एक एमिनो एसिड को सेलेक्ट करेंगे। आइए वापस चल के देखते हैं, ये देखिए बच्चों यहाँ पे भी एक है, 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 तो ये एक एक को सेलेक्ट करेगा। अब आइए ट्रिक याद करते हैं कैसे। बच्चों आपको पता है सलमान खान का बॉडीगार्ड काफ़ी फेमस है, उसका नाम है सेरा, सेरा, और ये कहाँ रहते हैं सलमान खान कहाँ रहते हैं, मुंबई में, और मुंबई में क्या होता है आला झाला ये सब वर्ड यूज़ बहुत होते हैं, आने को बोलते हैं आला, जैसे कान्हा आला, कन्हैया आला। ठीक है वैसे देखिए सेरा प्रोग्राम देखने, सेरा गया होगा सलमान खान के साथ प्रोग्राम देखने कहीं, तो सेरा प्रोग्राम देखने थिएटर आला, सेरा प्रोग्राम देखने थिएटर आला। सेरा मतलब बच्चों सीरीन, सेरा मतलब सीरीन, प्रोग्राम मतलब प्रोलीन, प्रोग्राम मतलब प्रोलीन, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है देखने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, और थिएटर का मतलब क्या हो गया थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन हो गया। ठीक है थ्रियोनिन हो गया, और आला मतलब एलेनिन, आला मतलब एलेनिन। आइए उस चार्ट में देखते हैं जिसमें इसका पूरा नाम लिखा है, सेकंड कॉलम भी हमें याद हो गया और ये एक एक एमिनो एसिड को सेलेक्ट कर रहा था, जबकि पहले वाला 2 1 2 1, तो देखिए सेकंड कॉलम क्लियर हो गया, ये दो ये दो कर रहा था, ये एक कर रहा था, ये दो कर रहा था, ये एक कर रहा है, यहाँ देखिए 1 1 1 1, और यहाँ बच्चों सेरा प्रोग्राम देखने का कोई मतलब नहीं था, थिएटर आला, आला मतलब एलेनिन, और ये थ्रियोनिन, ये प्रोलिन और ये सीरीन। आइए थर्ड कॉलम को हम फोकस करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने अमीनो एसिड सेलेक्ट होते हैं, तो 2 2 2 2 2 2 2 2, पहले वाले में 2 1 2 1, दूसरे वाले में 1 1 1 1, तीसरे कॉलम में बच्चों 2 2 2 2, लेकिन यहाँ बात एक याद करने की है क्या, कि जो यहाँ पे दो होते हैं उसमें से एक स्टॉप कोडॉन होता है, कैसे याद रखेंगे, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे बोला जाता था 3 तिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो बच्चों 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी ये जो थर्ड कॉलम में आ रहा है यहीं पे कुछ काम बिगड़ गया, यानी कुछ जो थे कोडॉन वो स्टॉप कोडॉन थे, काम बिगड़ गया मतलब रुक गया, काम बिगाड़ा मतलब स्टॉप कर देना, स्टॉप कर देना, तो इसका मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो थर्ड कॉलम में याद रखिएगा स्टॉप कोडॉन पाया जाता है, थर्ड कॉलम के पहले ब्लॉक में स्टॉप कोडॉन पाया जाता है। चलिए बच्चों यहाँ में, यहाँ पर एक तो हो गया स्टॉप कोडॉन, बाकी आपको याद हो गया, वैसे दो दो याद करिएगा, एक स्टॉप कोडॉन याद रहेगा क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है और इसके अमीनो एसिड कैसे याद रहेंगे, उसका क्या फार्मूला है, देखिए टायर हिसार से, टायर कहाँ से लेना है हिसार से, और जिन आसाम से, जिन आसाम से, ठीक है बच्चों टायर हिसार से जिन आसाम से लाएं, फिर ग्लूकोज आराम से पिएं, टायर हिसार से जिन कहाँ से लाना है आसाम से लाएं, फिर ग्लूकोज आराम से पिएं। देखिए बच्चों टायर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टायरोसिन, टायर का मतलब हो गया टायरोसिन, तो टायर हो गया टायरोसिन, हिसार का मतलब हो गया बच्चों हिस्टिडीन, हिसार का मतलब हो गया हिस्टिडीन, जिन का मतलब जिन, अब बच्चों यहाँ बोलेंगे GLN लिखा है, यहाँ आपने GIN लिखा है, बच्चों इंग्लिश में देखो आई और एल एक ही जैसे लगता है, आई और एल एक ही जैसे लगता है, तो उसको जिन पढ़ लो, GLN ना पढ़ के जिन पढ़ लो, तो टायरोसिन हिस्टिडीन और उसके बाद ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, तो ये हो गया ग्लूटामिन, जिन का मतलब ग्लूटामिन। ठीक है तो इसका मतलब हो गया बच्चों ग्लूटामिन, इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया ये आसाम है तो एस्पराजिन हो गया बच्चों, आसाम में आया तो एस्पराजिन हो गया, तो ये एस्पराजिन हो गया। ठीक है बच्चों ये एस्पराजिन हो गया, ये लाइसिन हो गया, लाए मतलब लाइसिन, लाए मतलब लाइसिन, लाइसिन तो लाए हो गया, फिर का कोई मीनिंग नहीं है। ग्लूकोज का क्या मतलब हो गया बच्चों, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूकोज का मतलब हो गया ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों ग्लूटामिक एसिड है। और बच्चों आराम से पिए का क्या मतलब हो गया, आराम, ए फॉर आराम,
सी का मतलब एस और पी ए का मतलब पी, तो इससे पी ले लिया, इससे एस ले लिया, इससे ए ले लिया, तो ए एस पी। ए एस पी क्या है बच्चों? एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड। आइए इसके कॉलम में भी इनके पूरे नाम देख लेते हैं, तो फार्मूला भी क्लियर हो गया, इनके पूरे नाम भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, टायरोसिन था, यानी टायर हिसार से लाए और जिन आसाम से लाए, तो जिन का मतलब हो गया ग्लूटामिन और आसाम का मतलब हो गया एस्पराजिन, और उसके बाद लाए मतलब क्या हो गया बच्चों? लाइसिन, और एस्पार्टिक एसिड हो गया आराम से पिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब ग्लूटामिक हो गया, ये आराम से पिए यानी एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आइए चौथे कॉलम में हम लोग चलते हैं, उसको कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। चौथे कॉलम को बच्चों आपको ऐसे याद रखना है, एक तो आपको ये पता है कि स्टॉप कोडॉन एक होता है, पहले तो इसका जो वो होता है सीक्वेंस अमीनो एसिड का, उसका और फर्स्ट ब्लॉक का सेम था। फर्स्ट ब्लॉक का क्या था? 2-1-2-1। सेकंड ब्लॉक का क्या था? 1-1-1-1। थर्ड ब्लॉक का क्या था? 2-2-2-2। लेकिन पहला इसमें एक था स्टॉप कोडॉन, यहाँ पर क्या है? पहले जैसा 2-1-2-1, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, यहाँ पर भी एक स्टॉप कोडॉन होता है, ठीक है। इसके लिए बच्चों याद रखना है, सिस्टर ट्रिप पे सर के साथ अर्जेंटीना गई। सिस्टर, मान लीजिए किसी की कोई सिस्टर है, वो ट्रिप पे सर के साथ अर्जेंटीना गई, तो सिस्टर ट्रिप पे सर के साथ अर्जेंटीना गई, तो सिस्टर मतलब 16 हो गया बच्चों, सिस्टर मतलब 16 हो गया, देखिए सिस्टर 16 सेम लग रहा है। ये बच्चों ट्रिप्टोफैन हो गया, ट्रिप मतलब ट्रिप्टोफैन हो गया बच्चों, ठीक है। और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब हो गया आर्जिनिन, आर्जिनिन, तो आर्जिनिन हो गया, ठीक है, ये आर्जिनिन के लिए हो गया, ये सब आर्जिनिन के लिए था। और ये सर का क्या मतलब हुआ बच्चों? सीरीन, सर का मतलब हो गया सीरीन, देखो सर सिर ऐसे, तो सीरीन हो गया। और बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया ग्लाइसिन, ये हो गया ग्लाइसिन, गई मतलब ग्लाइसिन, देखो गई मतलब ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए चौथे ब्लॉक में सिस्टर, ठीक है ना, सिस्टर सर के साथ अर्जेंटीना और गई मतलब ग्लाइसिन हो गया। तो बच्चों आपको सारे ब्लॉक्स याद हो गए, सारे ब्लॉक्स याद हो गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला ब्लॉक याद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए दूसरे में 2-2-2-1-2-1 अमीनो एसिड सेलेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे 1-1-1-1 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था? 2-2-2-2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कोडॉन था, यहाँ पे क्या हो रहा था? पहले जैसा, यानी 2-1-2-1, लेकिन यहाँ पर स्टॉप कोडॉन था। तो बच्चों इनिशिएशन कोडॉन पता चल गया, स्टॉप कोडॉन पता चल गया, सारे फार्मूले याद हो गए, ठीक है, सबके नाम याद हो गए। तो बच्चों इसी तरह से हम छोटी छोटी ट्रिक को सॉल्व करेंगे, और आप बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारा उत्साह बिल्कुल डाउन ना हो और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाता रहूँ। ओके बच्चों, टेक केयर।